वेलकम टू ISCS। ISCS ऑनलाइन के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISCS ऑनलाइन। ISCS ऑनलाइन के रैपिड फायर राउंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, रोज की भांति हम आज आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं 25 सवालों के एक सेट को लेकर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये सारे सवाल आने वाले एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखकर कलेक्ट किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का रैपिड फायर राउंड। पहला सवाल है कि बरदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, महात्मा गांधी ने, विट्ठल जे पटेल ने या फिर महादेव देसाई ने? दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि इसी सत्याग्रह के दौरान बरदोली की महिलाओं ने उन्हें सबसे पहली बार दिया था। बाद में औपचारिक रूप से महात्मा गांधी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। सरदार का मतलब होता है लीडर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर टू। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य फर्स्ट या फिर विक्रमादित्य सेकेंड? दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन द्वितीय। दोस्तों, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के साउथवर्ड मूवमेंट, जो दक्षिणवर्ती अग्रगमन को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका, वहां पे उनसे युद्ध हुआ और अंततः सम्राट हर्षवर्धन की पराजय हुई। दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय की वीरता का बखान और हर्षवर्धन के पराजय की चर्चा एहोल प्रशस्ति में पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति ने की है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर थ्री। धर्मत का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया? मोहम्मद गोरी तथा जयचंद, बाबर तथा अफगान, औरंगजेब तथा दारा सिकोह, अहमद शाह दुर्रानी तथा मराठा? दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब तथा दारा सिकोह। दोस्तों धर्मत का युद्ध औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच लड़ा गया था। ये दोनों शाहजहां के पुत्र थे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर फोर। अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित में से किस एक उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है? आंध्र प्रदेश, कलकत्ता, मद्रास या फिर उड़ीसा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर फाइव। न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? ए बी वाजपेयी, यशवंत सिंह, पीसी अलेक्जेंडर या फिर यशवंत सिन्हा? दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यशवंत सिंह। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर सिक्स। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? 1946, 1945, 1947 या फिर 1950? दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1945। दोस्तों, ये संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर सेवन। पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षीय समतल के लंब से कितना झुका होता है? 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 180 डिग्री या झुका नहीं होता? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर एट। भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ है? रक्षा मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय?
राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, एवाज को, नसरुद्दीन महमूद को, अली मर्दान को या फिर मलिक जानी को। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मलिक जानी को। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या यानी कि कोरम है कुल सदस्यों की संख्या का 1/5, कुल सदस्यों की संख्या का 1/6, कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 या फिर कुल सदस्यों की संख्या का 1/8। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कुल सदस्यों की संख्या का 1/10। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा की रचना किसने की, साहिर लुधियानवी, सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल या फिर बहादुर शाह जफर। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सर मोहम्मद इकबाल। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। राजा ने श्रीलंका विजय के उपलक्ष्य में पुल्लान्नरुवा में किस देवता का मंदिर बनवाया, शिव, विष्णु, मुरुगन या फिर गणेश। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, शिव। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13। अंग्रेजों का प्रथम संघर्ष किस मुगल शासक से हुआ, जहांगीर, औरंगजेब, शाह आलम या फिर बहादुर शाह जफर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह जफर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को, संसद को, न्यायपालिका को या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब किया गया था, 1972, 1974, 1976 या फिर 1978। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1974। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 16। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए, पाली, संस्कृत, अरेमेइक या फिर प्रकृत। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पाली। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17। स्टार्च बहुलक है, फ्रुक्टोज का, ग्लूकोज का, सुक्रोज का या फिर फ्रुक्टोज व ग्लूकोज का। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज का, यानी कि स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 18। अदरक एक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि यह खाद्य पदार्थ एकत्रित करती है, यह मिट्टी की सतह के समांतर चल उगती है, इसमें नोड तथा इंटरनोड उपस्थित है, इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इसमें नोड तथा इंटरनोड उपस्थित होते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 19। शकरकंद का खाने योग्य भाग है, तना, भूमिगत तना, रूपांतरित ट्यूबरस जड़ या फिर पत्तियां। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रूपांतरित ट्यूबरस जड़। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 20। क्लोरोफिल अवशोषित करता है केवल हरा प्रकाश, केवल लाल प्रकाश, केवल नीला प्रकाश या फिर लाल तथा नीला प्रकाश। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लाल तथा नीला प्रकाश। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 21। श्वसन है इंडोथर्मिक एवं एनाबोलिक प्रक्रिया,
एक्सोथर्मिक एवं एनाबोलिक प्रक्रिया, एनाबोलिक प्रक्रिया या फिर कैटाबोलिक प्रक्रिया। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कैटाबोलिक प्रक्रिया। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 22। भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है और कहाँ स्थित है? बेतला झारखंड में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में या फिर घाना राजस्थान में। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, घाना राजस्थान। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 23। त्रिपिटक में कौन सा ग्रंथ नहीं है? अभिधम पिटक, सुप्त पिटक, विनय पिटक या फिर रक्ष पिटक। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यक्ष पिटक। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 24। महात्मा बुद्ध के संबंध में महाविनिष्क्रमण का क्या अर्थ है? गृह त्याग, जन्म त्याग, ज्ञान या फिर मृत्यु। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गृह त्याग। दोस्तों महात्मा बुद्ध के संबंध में महाविनिष्क्रमण गृह त्याग को कहा गया, जबकि मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 25, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज रैपिड फायर राउंड। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होगी? 45 डिग्री अक्षांश पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर या फिर कर्क रेखा पर। तो दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विषुवत रेखा पर यानी कि इक्वेटर पर। दोस्तों 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, जिसका मान 111.3 किलोमीटर होता है। नाउ लुक एट द क्वेश्चन विच हैज टू बी आंसर्ड बाय यू। दोस्तों देखते हैं वो सवाल जिसका जवाब आपको देना है। दोस्तों ये सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और यदि आप इससे संबंधित कुछ और भी जानकारी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो अवश्य करें। दोस्तों सवाल है, बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? गया में, बरौनी में, फतुहा में या फिर मुंगेर में। दोस्तों इसी सवाल के साथ आज का रैपिड फायर राउंड यहीं समाप्त होता है। हम कल फिर उपस्थित होंगे 25 सवालों को लेकर, और दोस्तों हमारा प्रयास होगा कि सारे सवाल और उनके जवाब सटीक और सबसे बेहतर हों। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर जरूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों आपको याद दिला दूं कि हमारे चैनल पर जनरल स्टडीज के अलावा मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश के और साइंस के यानी कि जनरल साइंस के भी वीडियोस उपलब्ध हैं, आप उसे जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।